आज हम लोग सीखने वाले हैं डीसी और टेली ERP 9 का इम्पोर्टेंस नोट्स है, 100 MCQ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कट? आंसर इसका Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्डपैड इन विंडोज 7? एक्सटेंशन नेम क्या है वर्डपैड में विंडोज 7 में? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा RTF। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ फाइंड? कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ को ढूंढने के लिए शॉर्टकट किट क्या है? इसका है Ctrl+F। व्हाट द शॉर्टकट की ऑफ रिप्लेस? वापस जहाँ से अपने आए थे वहाँ पे वापस रिटर्न जाने के लिए शॉर्टकट की है उसका Ctrl+H। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन नेम ऑफ MS Word 2010? क्या नाम था इसका? DOCX। बरोबर। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ फॉर्मेट पेंटर? इसका आंसर Ctrl+Shift+C। विच शॉर्टकट की टू यूज चेंज केस? Shift+F3। विच फॉर्मूला यूज टू ऐड टू नंबर सम? व्हाट हैपन व्हेन यूज फॉर्मूला प्रोडक्ट मल्टीप्लाई? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फिल्टर इन MS Excel? शॉर्टकट किस क्या है MS Excel? Ctrl+Shift+L। MS Excel इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। व्हाट इज द एक्सटर्नल नेम ऑफ MS Excel 2010? XLSX। हाउ मैनी रो इन MS Excel 2010? टोटल कितने रो होते हैं MS Excel में 2010 के हिसाब से? तो टोटल रो होते हैं 1,48,576। हाउ मैनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट इन MS Excel? MS Excel कितने टाइप के होते हैं एग्रीमेंट? जो उसका 6। करेक्ट आंसर 6 है। विच वन इज नॉट अ फार्मूला इन MS Excel? ऐसा कौन सा इसमें दिया है जो MS Excel में फार्मूला वो नहीं है? वो है AVG। AVG जो है MS Excel में यूज नहीं होता है। व्हाट इज डिस्प्ले इन द बार? फार्मूला बार। बरोबर, सॉरी बार निकल गया। इसका आंसर है द फार्मूला ऑफ द एक्टिव सेल। व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच ऑफ दिस एलिमेंट आर ऑल टैबलेट एलिमेंट्स? इसका आंसर करेक्ट होगा आपका, जिसमें बी नंबर दिखा है वो आपका करेक्ट आंसर है। डन। टेली पैकेज इज डेवलप्ड बाय टेली सॉल्यूशन। विच फंक्शन इज यूज इन टेली टू मेक चेंज इन क्रिएट कंपनी? आंसर होगा अल्ट। विच लेजर इज क्रिएट बाय टेली ऑटोमेटिकली एज सून एज वी क्रिएट अ न्यू कंपनी? बोथ आएगा, क्या होगा इसमें? बोथ A&B, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अपने टेली में कोई भी कंपनी क्रिएट करते तो इसमें ये दो चीज़ें हैं ना, वो जो पहले से अपने को लेजर वो बना रहते हैं, उसमें लेजर अपने को बनाने की नहीं पड़ती। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीपेड? पेड इन एडवांस में अगर पे करते हैं तो उसका मीनिंग होता है प्रीपेड। क्लोजिंग स्टॉक शो कहाँ होता है? असिस्ट एंड द अकाउंटिंग ऑफ ईयर। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक मतलब यहाँ से स्टॉक का जितना भी एंट्री करना था सब स्टॉक का खत्म हो गया, तो एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। डिप्रिकेशन मीन्स क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ असिस्ट। गुड्स टेकन ऑफ पर्सनल यूज इन डेबिट्स ड्राइंग्स। बरबर, पर्सनल जो चीज़ें के लिए यूज़ करते हैं डेबिट क्या ड्राइंग करेंगे। 2,000 रुपया पेड कैश रेंट शुड बी, तो क्या होगा आपका? पेड किया मतलब आपको रेंट देना है। बरोबर, शुड बी डेबिट, ये कौन सा अकाउंट होगा? रेंट अकाउंट। बरोबर, पेड टू मिस्टर राम 100 एंड दे अलाउड डिस्काउंट, कौन सा अकाउंट होगा? इनडायरेक्ट इनकम। किसमें क्या बोला?
डिस्काउंट दे रहा है, मतलब इनडायरेक्टली डिस्काउंट दे रहा है, उसमें सिस्टम है नहीं, फिर भी वो इनडायरेक्टली डिस्काउंट दे रहा है। पेड सैलरी बाय चेक शुड बी क्रिएटेड, सैलरी है, सैलरी कहाँ आती है, बैंक में आती है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो उसमें सेम ही रहते हैं। तो बैंक अकाउंट, टेली आर पी 9 ऑजिस अकाउंटिंग, टेली आर पी 9 क्या है, अकाउंटिंग पैकेज है, इसमें अपने कोई भी बिजनेस की एंट्री वगैरह सब करते हैं उसमें अकाउंटिंग। सोल्ड गुड ऑफ श्याम 1000 क्वालिफाई द वाउचर, सोल्ड किया मतलब सेल्स, बरोबर, तो इसमें कौन सा अकाउंट से? सेल्स बनेगा, बरोबर। कैश पेड पेमेंट अकाउंट, राजेश को इतना किया पे। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ जनरल एंट्री, शॉर्टकट किसके अपने जनरल एंट्री में करते हैं, शॉर्टकट किसके, F7। कैश विड्रॉल किया बैंक से 1000 क्लासिफाइड वाउचर, कोई भी चीज़ विड्रॉल करते हैं, किस चीज़ से निकालते हैं तो किस में आता है, कॉन्ट्रा वाउचर में आता है। रिसिप्ट कर रहे हैं तो रिसिप्ट में आएगा, बरोबर, जो चीज़ रिसिप्ट कर रहे हैं अपने वो किस में आएगा, रिसिप्ट में आएगा। पेड कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी बाय चेक शुड बी क्रिएटेड, पेड कर रहे हैं, सैलरी कहाँ पेड होती है, किसी को सैलरी देना हो तो कहाँ से देते हैं, बैंक अकाउंट्स में। सोल्ड गुड्स ऑफ कृष्णा, इतना सोल्ड मतलब सामान बेच दिया उसको, क्लासिफाइड वाउचर, सोल्ड से तो सेल्स अकाउंट। कैश पेड टू राजेश इन द क्लासिफाइड वाउचर, कैश किसको दिया, राजेश को, क्या हो गया, कैश पेड किया मतलब पेमेंट दिया उसको। अ लेजर कैन नॉट बी डिलीटेड इफ देयर इज एनी एंट्री, ट्रू, हाँ, अपने कोई भी एक लेजर बना देते तो बाद में उसमें कुछ भी वो डिलीट नहीं किया, उसमें चेंजेस हो सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं होता है। हाउ टू चेंज करंट डेट इन टेली आर पी 9 F2, अपने यहाँ पे टेली आप ओपन करोगे कोई भी वाउचर में तो आपके कोने साइड में आप सब फंक्शन शो किए रहते हैं, F2 F3 F4, तो इसमें F2 किसका है, अपना करंट डेट का। हाउ टू चेंज करंट पीरियड इन टेली आर पी 9 Alt+F2, करंट पीरियड चेंज करना हो तो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा Alt+F2, अगर उसमें डेट सिर्फ चेंज करना हो तो आज का डेट चेंज हो जाएगा। पेड करना है क्या, पेड करना है तो इसमें सेंट्रल क्रिएटर, इसमें क्या पेड कैश कर रहे, दूसरे को दे रहे, ठीक है, अपने पास कुछ आ नहीं रहा, अगर आएगा तो डेबिट होगा, ये तो जा रहा है तो सेंट्रल क्रिएटर होगा। परचेस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सामान खरीद रहे मतलब आ रहा है सेंट्रल क्रिएटर्स, पता है क्यों, गुड्स फ्रॉम श्याम क्रेडिट, क्या हुआ, क्रेडिट हुआ इसलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST, गुड सर्विस टैक्स, CGST इज ऑन टैक्सेबल सेंट्रल टैक्स, बराबर। SGST होता है स्टेट टैक्स का, IGST इंटीग्रेट जो अपने जिस स्टेट में है उस स्टेट में कर दूसरे स्टेट में अपने अप्लाई करते हैं, दूसरे स्टेट में किसी का भी GST लगाते हैं उसमें IGST लगता है। द बिल्डिंग अंडर, बिल्डिंग किसके अंडर आती है, फिक्स एसेट है, कैश कौन से एसेट है, ये भी करंट एसेट है, क्योंकि ये जो चीज़ें एक साल से ज़्यादा रहती है और एक साल से जो कम रहती है, ठीक है, नॉन करंट और करंट एसेट उसको बोलते हैं। द गुडविल अंडर, गुडविल किसका, इंटेंजिबल, हाउ मैनी कॉलम इन MS Excel में कितने कॉलम होते हैं, तो 16384। लास्ट नेम क्या है, MS Excel का XFD, जो अपने यहाँ पे MS Excel में देखते हैं जितने सारे भी कॉल जो बने रहते हैं उसमें लास्ट कॉलम कौन सा, XFD। हाउ मैनी डिफिकल्ट सीट इन MS Excel, कितने डिफिकल्ट सीट्स है, गिवन 3 होती है, बरोबर। स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबलेट एंड ग्राफ कैन वी यूज इन Excel, हाँ, अपने Excel में ये सब कुछ भी चीज़ का डाटा बनाना रहता है तो उसका ग्राफ से अपने शो कर सकते हैं। फोटोशॉप में तो होगा नहीं, नोट पे में होगा नहीं, पावर पॉइंट में होगा नहीं, बचा एक्सेल। फंक्शन इज MS Excel मस्ट बीन विथ एन इक्वल, विच फंक्शन इज एक्सेल चेक वेदर अ कंडीशन ट्रू और नॉट, इफ, विच फंक्शन विल यूज टू एंटर करंट डेट एंड टाइम, वर्कशीट सेल। नाउ व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक, का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+K। हाउ मेनी टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेड एंड एक्शन, कितने पेज होते हैं एक्सेल में, 2 ओरिएंटेड स्केल। व्हाट डज द उकलूप फंक्शन डू, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड, उकलूप किसके लिए फंक्शन यूज होता है, वो जो कुछ चीज़ें होती हैं उसमें फाइंड करने के लिए होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ डेटेड इफ फार्मूला,
for calculating the age. This formula is convert negative value to positive value. नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू में अपने को आने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल टू एबीएस ब्रैकेट क्लोज. फिस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, इक्वल टू मोड ब्रैकेट वन. फिस फॉर्मूला इज यूज टू चेंज स्मॉल वर्ड इन टू कैपिटल वर्ड. स्मॉल वर्ड से कौन सा फॉर्मूला लगता है जो स्मॉल वर्ड से कैपिटल वर्ड्स में चेंज करना है अपना, तो इक्वल टू क्या कैपिटल में चेंज करना है तो क्या करना है ऊपर मतलब अपर बस. दिस फॉर्मूला यूज टू फाइंड ईएमआई एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, ईएमआई का फॉर्मूला. तो पीएमटी फैक्ट फंक्शन रिटर्न 120 अल्ट प्लस इसका तो शॉर्टकट के यूज़ किसके लिए होते हैं, ऑटो सम के लिए. हाँ ऑटोमेटिक अगर इसका टोटल अमाउंट बताना है तो अल्ट प्लस करके तुरंत अपना इसका ऑटो सम्स हो जाएगा. व्हाट इज द शॉर्टकट की स्पेलिंग चेक करना है कि क्या किससे रॉन्ग है, तो F7 दबाएंगे. F7 दबाएंगे तो उससे पता चल जाएगी. इक्वल टू SQRT 49 फंक्शन 7 पावर पॉइंट 2 फंक्शन रिटर्न 32. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू एड टू और मोर एग्रीमेंट्स, कॉन्केटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू कन्वर्ट द हॉरिजेंटल टेबल इन अ वर्टिकल टेबल, कौन सा फंक्शन यूज होगा जिसको हॉरिजेंटल से कन्वर्ट करना है अपने को वर्टिकल में, तो एक इसको बोलते हैं ट्रांसपोज. टेलीप्राइम क्या है, टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. हाउ मैनी टाइप ऑफ अकाउंट, 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कंपनी मेन्यू इन टेली प्राइम, डायरेक्ट अपने को कंपनी में जाना है, शॉर्टकट किस क्या होगा उसका टेली प्राइम में, बराबर. कंट्रोल प्लस के कंपनी सी से आती है लेकिन कंपनी का इसमें हिंदी वर्ड्स यूज हुआ है कंट्रोल प्लस के. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट कंपनी इन प्राइम 9 अल्ट प्लस F3 कंपनी सेलेक्ट करना है उसमें कंपनी में जाना है, तो विच टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन लोकल स्टेट में कौन सा लगता है, CGST SGST. अगर अपनी स्टेट में है CGST SGST लगेगा, 10% लगाना है तो दोनों में आधा आधा लग जाएगा, ठीक है. विच इज टैक्सेबल ऑन इंटीग्रेटेड सेल, ये क्या होता है, IGST लगता है इसमें, जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट से आते हैं. व्हाट इज शो इन GSTR रिपोर्ट 1 ऑल सेल इनवाइस, ठीक है. वन का रिपोर्ट जो होता है कहाँ दिखते हैं अपने, मिलते हैं अपने सेल में देखने को मिलता है, हाँ वो बताया. तो वन का कहाँ देखने, GSTR 1 में देखने को मिलता है, 2 का पहले सेल 1 फिर परचेज का, ठीक है, परचेज का देखने को मिलता है. 3B में किसको देखें, ऑल सेल परचेज इनवाइस बिल 3B, इसमें क्या सेल परचेज दोनों बी है, मतलब दोनों का पार्ट है परचेज एंड सेल का, पहले सेल का फिर परचेज का फिर बी है, तो 3 तो दोनों का देखने को मिलता है इसमें. व्हाट द करेक्ट HTML फॉर इंटरेस्टिंग अ लिंक ब्रेक, इसमें आपका आंसर है फर्स्ट. व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग बैकग्राउंड कलर, करेक्ट कौन सा है, ये आपका बॉडी बेसिक कलर इक्वल टू येलो एड करने का. व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक, इसमें आपका आएगा आंसर बी नंबर. हाउ कैन यू मेक अ नंबर लिस्ट, हाउ कैन यू मेक अ नंबर लिस्ट. व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ चेक बॉक्स, व्हाट इज द करेक्ट चेक बॉक्स इनपुट टाइप चेक्स. व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ टेक्स इनपुट फील्ड, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स. व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट, कोई चीज को मतलब टोन होता है.
What is the correct HTML for interesting in an image? इसमें आपका आंसर है सी नंबर सी. Which doctor is correct for HTML? ये आपका आंसर बी है. इसमें आपका करेक्ट आंसर बी. How many heading level are in HTML document? HTML document heading level कितना होता है? 6 total. Which of the following tag does not require to close? इसका आंसर होगा आपका सी. The dash tag allow you to add horizontal rule across the web page. How many type of HTML tag are there? HTML कितने type के होते हैं? दो. Which one is an empty tag? इसमें आपका आएगा बी. Which of the following is not an HTML tag? सेकंड नंबर. HTML tag नहीं है तो HTML tag क्या है? HTML हो गया, बॉडी हो गया, हेड हो गया, इसका ये टैग ये आता ही नहीं पहले. वो डेवलपर HTML डेवलपर किसने किया? टीम ब्रेनियंस ली. ए नंबर. HTML प्रोग्राम इज सेव्ड यूजिंग. HTML प्रोग्राम सेव करना है तो HTML पास नॉर्मली. सेकंड नंबर. इनपुट इज डैश एंड एम्प्टी टैग. Which of the following tag is used to concept keyboard formatting in waves? Spree. Which of the following HTML tag is used to display the text with moving effect? इसका आंसर आएगा Markov. तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है. अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं. आपको इतने MCQs हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको प्रोवाइड कर दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.